पुरानी बिल्डिंग को नई बिल्डिंग से जोड़ने वाले स्काईवॉक में भी 3 एसी लगाए गए हैं। एक और तो शासन ने पर्यावरण और विद्युत संरक्षण के लिए एसी का तापमान 24 से 26 के बीच रखने के निर्देश जारी किए हैं। वहीं मंत्रालय में बेहिसाब एसी लगवा जा रहे हैं। कमरे और हाल के साथ गलियारों में भी 5-स्टार होटल की तर्ज पर एसी लगे हैं, जिससे पर्यावरण को काफी नुकसान ही होगा। बानगी पेश करता है ये स्काईवॉक। ना ना ना, ये वो स्काईवॉक नहीं है जिसको तोड़ने को लेकर के चर्चा चल रही है। दरअसल ये सर्किट हाउस का वो स्काईवॉक है जो पुरानी बिल्डिंग से नई बिल्डिंग को जोड़ता है। लेकिन कितने पैसों की बर्बादी हुई है इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि दोनों तरफ कांच की दीवार खड़ी करने के बाद, नीचे टाइल्स लगाने के बाद, ऊपर फॉल्स सीलिंग करके टेम्परेचर को कंट्रोल करने के बाद लाखों रुपए की एसी लगाए गए हैं ताकि वीआईपी जब यहां से गुजरे तो वीआईपी को किसी किस्म की तकलीफ न हो। ये 15 साल के शासन की कार्यस्थानी है कि किस तरीके से पैसों की बर्बादी हुई और कहां तक अधिकारी और नेता पहुंच चुके थे, कितने सुविधा भोगी हो चुके थे और पाई पाई जो जनता खून पसीने से कमाती है उसको टैक्स के रूप में भरती है और उस टैक्स के पैसे से अपनी सुविधाओं में लगातार इजाफा किए जा रहे थे। करोड़ रुपए का ऑडिटोरियम बना, हालांकि उसके अपने इस्तेमाल हैं, लेकिन इन एसी का क्या कि एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक पहुंचने के लिए एसी लगा दी गई है। अब आप कल्पना करिए, हम छत्तीसगढ़ में हैं जहां देश में सबसे ज्यादा गरीबों की तादाद है, उस छत्तीसगढ़ में ये हाल है नेताओं का और अधिकारियों का। अब अंदाजा लगाइए कि जो स्काईवॉक बनाया जा रहा था, हालांकि उसमें ये फैसिलिटी नहीं होती क्योंकि वो नेताओं के लिए नहीं था, वो आम लोगों के लिए था, वहां पे इतनी सुविधाएं नहीं होनी थी, लेकिन पैसों की बर्बादी की बानगी वो स्काईवॉक भी पेश करता है। कैमरामैन श्याम के साथ, रायपुर से रुपेश।